Very good morning to all of you. So today we will discuss about poem The Road Not Taken of class 9th, composed by Robert Frost. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. Poetic ghane jungle se ja raha, it is time of autumn, ye patjhad ka samay hai, isliye jungle jo hai wo peele color ka dikh raha hai. Aur poet kehta hai ki आई एम सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. दो रोड्स हैं, वो डाइवर्ज्ड होती हैं, वो मुड़ती हैं किसी एक जगह से, और पोएट वहाँ पर खड़ा होकर के देखता है कि वह दोनों रोड से एक साथ नहीं जा सकता. इवन नो बडी कैन गो इन बोथ रोड एट द सेम टाइम. दोनों रोड्स पे कोई सेम टाइम पे नहीं जा सकता. सो पोएट इज ऑल्सो सेइंग दिस एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड. एक ट्रेवलर के तरीके से दोनों रोड को कोई एक साथ नहीं ले सकता है, और पोएट वहाँ पर खड़ा हो जाता है, उस डाइवर्जन पे पोएट जा करके खड़ा हो जाता है. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. अब वो एक रोड को देखता है जितना दूर तक वह देख सकता है. टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ. वहाँ तक देखता है जहाँ तक रोड मुड़ी हुई है. जब रोड मुड़ जाती है इसके बाद फिर देखना पॉसिबल नहीं है. सो पोएट इज सीइंग, पोएट देख रहा है कहाँ तक, बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहाँ तक रोड मुड़ी हुई है वहाँ तक पोएट देखने की कोशिश करता है. डेन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर. और जिस तरीके से पोएट ने पहली रोड पे देखा हुआ है उसी तरीके से पोएट दूसरी रोड को भी देखता है. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लिम. और अब पोएट बेटर क्लिम कर सकता है दोनों रोड्स को देखने के बाद. किस तरीके से बेटर क्लिम कर सकता है ये देखते हैं. बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर. अब एक रोड क्या है, ग्रेसी है, मीन्स उस पर ज़्यादा घास है, मच ग्रेसी है, एंड लेस फ्रिक्वेंटली. जहाँ पर ज़्यादा घास होती है इसका मतलब है कि उस रोड पर ज़्यादा लोग चले नहीं हैं, इसलिए वो लेस फ्रिक्वेंटली है. सो अब पोएट ने डिसाइड किया टू रोड्स हैं, एक रोड है मच ग्रेसी लेस फ्रिक्वेंटली, और दूसरी रोड है लेस ग्रेसी मच फ्रिक्वेंटली. थॉट एज फॉर डैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. अब दोनों रोड्स पोएट के एक जैसी लग रही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है जो पोएट ने फाइंड आउट किया हुआ है. और वो डिफरेंस क्या है कि एक रोड है वो ज़्यादा ग्रेसी है और एक रोड है वो कम ग्रेसी है. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली. पोएट सुबह सुबह आया हुआ है उस रोड पे, उस जंगल पे जा रहा है, तो जब वो डाइवर्जन दिखता है तो सुबह लगभग दोनों रोड सेम दिखती हैं. दोनों रोड कैसी हैं, सेम दिख रही हैं. पतझड़ का टाइम, इट्स अ टाइम ऑफ ऑटम, तो दोनों रोड लगभग सेम दिख रहे हैं. सो पोएट इज कन्फ्यूज दैट विच रोड ही शुड चूज. वह कन्फ्यूज है कि उसको कौन सा रोड चूज करना है. सो ही डिसाइडेड दैट ही विल चूज मच ग्रेसी एंड लेस फ्रिक्वेंटली रोड. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. जो पत्तियां हैं, जो पेड़ों से गिरी हुई पत्तियां हैं, वो ट्रॉडन ब्लैक मीन्स इस तरीके की हैं कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोई चला नहीं हुआ, उन रोड्स पे कोई नहीं गया है. और जब पेड़ से वो गिरी थी तो जो पत्तियों के नीचे वाला भाग होता है जहाँ से वो टूट करके गिरती हैं, तो वो हल्का सा ब्लैक कलर का हो जाता है. ओ आई केप द फर्स्ट फॉर एनदर डे. अब पोएट कहता है कि वो पहली रोड कब के लिए रखेगा, कभी और के लिए. ओ आई केप द फर्स्ट फॉर एनदर डे. अब पोएट पहली रोड कभी और के लिए रखेगा. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. यह जानते हुए कि कोई भी एक साथ दो रोडों पर नहीं चल सकता. डैट्स वाई ही विल kept first road for any other day, for another day. I doubt if I should ever come back. But poet को एक यहाँ पर ये doubt भी है कि क्या वो कभी यहाँ पर वापस आ पाएगा पहली रोड पर चलने के लिए. I shall be telling this with a sigh. अब poet कह रहा है कि वह इस चीज़ को जब कभी वर्षों बाद ऐसा होगा तो एक आह भर के, एक साय भर करके वो क्या करेगा, बताएगा. Somewhere ages and ages hence. जब कभी सालों में, बहुत सारे टाइम बाद ऐसा होगा तब. टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड. क्या बताएगा, दो रोड जो थी डाइवर्ज हुई थी एक जंगल पे. आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय. और पोएट ने कौन सी रोड चूज की थी, वह रोड चूज की थी जो मच ग्रेसी थी और लेस ट्रेवल्ड थी. पोएट उस रोड पे जाना चाहता था जो जिसपे ज़्यादा घास है और कम लोग गए हुए हैं. बिकॉज पोएट इज अ एडवेंचरस पर्सन. क्यों, क्योंकि पोएट एक एडवेंचरस पर्सन है. सो वह ऐसी रोड को चूज कर रहा है जिसमें कम लोग गए हुए हैं और जिसमें ज़्यादा घास है. एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस.
और यही चीज़ है जो कि सारे डिफरेंसेस बताती है। जैसे कि अगर हम बात करें अपनी लाइफ की, सो ऑलवेज देयर आर टू वे, हमेशा दो रास्ते होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। दो रास्तों में से किसी एक को चूज़ करना होता है, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम बैक आफ्टर चूजिंग फर्स्ट वन। और ये पॉसिबल नहीं होता कि जब कभी हम एक ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं तो इसके बाद दोबारा उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने का। जैसे कि हमने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया, उसके आगे गए और हमें लगा नहीं ये ऑप्शन गलत है, तो फिर हम वापस आ करके दूसरे ऑप्शन पर चले जाएँ, ये पॉसिबल नहीं होता। सो पोएट इज़ ऑल्सो सेइंग ऑन दिस, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट, हो सकता है बहुत सालों बाद मैं इस कहानी को किसी को बता रहा हूँ कि मैं उस रोड पे गया था जो कि मच ग्रेसी थी एंड लेस फ्रिक्वेंटली थी। और सबसे पहले पोएट इसी चीज़ के लिए सॉरी बोलता है, आई एम सॉरी आई कैन नॉट चूज़ बोथ रोड्स एट द सेम टाइम। वो कहता है कि मैं एक साथ दोनों रोडों को चूज़ नहीं कर सकता हूँ। सो आई होप यू गॉट दिस पोएट्री इन अ ग्रेट वे, एंड यू गॉट दिस। फॉर द क्वेश्चन आंसर इन डिस्क्रिप्शन देयर इज़ अ PDF, डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक PDF दे रखी है जिसकी हेल्प से आप इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं। एंड वर्ड मीनिंग आपको अपने आप सेलेक्ट करनी है, जो वर्ड मीनिंग्स आपको हार्ड लग रही है, जो नहीं आ रही हैं, यू कैन फाइंड आउट देयर। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।